और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अब स्पर्श क्योंकि राहें आसान, कुलदीप बिश्नोई को भी पता है कि आगे नहीं होंगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं और बीजेपी को कोई फायदा भी नहीं होगा, लेकिन सवाल ये कि क्योंकि आज सबसे बड़ी खबर यहां पे यही रहने वाली है, आज अपना इस्तीफा जो है वो कुलदीप बिश्नोई सौंपने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल अंजलि, अब से कुछ ही देर बाद कुलदीप बिश्नोई जो है चंडीगढ़ पहुंचते हुए नजर आएंगे, और अगर हम बात करें तो 12 बजे का वो समय होगा जब विधानसभा अध्यक्ष से कुलदीप बिश्नोई की जो मुलाकात है वो होती हुई नजर आएगी, और उसमें औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा कुलदीप बिश्नोई की तरफ से दिया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि कल अगर हम बात करें कि देर शाम होते होते कुलदीप बिश्नोई जो है दिल्ली से या जो है हिसार के लिए रवाना होते हैं, और वहां पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कुलदीप बिश्नोई जो है सलाह मशवरा करते हुए जो है नजर आते हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही जानकारी दे दी थी कि ट्विटर पर कि किस तरीके से वो 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं, और उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ तौर पर पूछा कि क्या मुझे विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए, जनता मेरा साथ देती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी। इसके साथ साथ उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचने का आह्वान भी जो है 4 तारीख को किया है। कार्यकर्ताओं के लिए वो हमेशा काम करते रहेंगे, ये कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो है कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं किस तरीके से कांग्रेस में जो है लगातार जो है पिसता हुआ नजर आ रहा था, ये बातें जो है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से की गई। ऐसे में समझा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई जो है किस तरीके से कांग्रेस से जो है इतर मन जो है काफी लंबे समय से ही जो है बना चुके थे, लेकिन बातचीत सिर्फ और सिर्फ जो है बीजेपी से ये चल रही थी कि किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई को एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हिसार के आसपास की राजनीति करने वाले लोग हैं, जिसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात की जाए, बृजेंद्र सिंह की बात की जाए, वो इस पर कहीं ना कहीं जो है मुखर होकर बयान देते हुए भी जो है नजर आते हैं। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी से बातचीत हो चुकी है, 12 बजे अपना इस्तीफा देंगे और कल भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन सवाल जो कि कांग्रेस की तरफ से भी बार बार उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना हुड्डा द्वारा ये इस बात का जिक्र किया गया कि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी सबको पता है पहले से थी, आस्था बीजेपी में वो तभी जता चुके थे जब राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी कैंडिडेट या निर्दलीय कैंडिडेट को जो था वोट दे दिया था पार्टी के खिलाफ जाकर, लेकिन इस बीच जो इतना समय लगा अंतरात्मा की आवाज सुनने में या समझने में वो किस लिए, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे, जाना तो पहले चले जाते। स्थिति पहुंची कि कुलदीप बिश्नोई पार्टी जो है छोड़ने को मजबूर हो गए, ये जो है एक बड़ा सवाल है। क्या पार्टी के अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि जो कुलदीप बिश्नोई है वो जो है पार्टी छोड़ते हुए जो है इस समय जो है नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी कोई ऐसी विधायक है जो कुलदीप बिश्नोई को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर का माहौल इस तरीके का भी है कि कुछ विधायक तो सीधे प्रभारी पर ही जो है निशाना साधते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं जो है अभी इस प्रकार की हो गई है कि उसमें कई नेता सर्वाइव जो है करते हुए नजर नहीं आ रहे, एक गुट अपने आप को जो है आगे बढ़ चढ़कर दिखाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है, अपने नेता को सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश जो है वहां पर करता हुआ नजर आता है। निश्चित तौर पर कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी थी उसको दूर करने का कोशिश प्रभारी को भी करना चाहिए था, प्रदेश अध्यक्ष को भी करना चाहिए था, लेकिन वो होती हुई दिखाई नहीं दी और आखिरकार कुलदीप बिश्नोई को कुछ इस प्रकार का फैसला लेना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल स्पर्श, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली में हलचल इसलिए तेज है क्योंकि कल कुलदीप बिश्नोई जो है वो औपचारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज जो सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि आज अपना इस्तीफा देंगे पवन सिवर, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। पवन, हलचल कैसी है वहां पर फिलहाल, क्योंकि आज अपना इस्तीफा देंगे? बिल्कुल, देखिए अभी लगातार यही कोशिश की जा रही है कि कुलदीप बिश्नोई कब तक चंडीगढ़ पहुंचते हैं और उसके बाद उनसे मीडिया का सामना कब तक होता है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का जो इस्तीफा देने का समय है वो करीब 12 बजे का है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने जो समय मांगा है वो विधानसभा सचिवालय में उनसे मिलने के लिए 12 बजे का समय मांगा है, लिहाजा उससे पहले उनसे बातचीत मीडिया की हो ये कोशिश से लगातार जारी है। और कुलदीप बिश्नोई आज औपचारिक तौर पर अपना जो इस्तीफा है वो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंप सकते हैं, क्योंकि 4 तारीख को यानी कल उन्होंने बड़ा डिसीजन लेने का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में साफ है कि आज उनकी जो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात है, उस मुलाकात में वो अपना इस्तीफा जो है वो सौंपेंगे और उसके बाद 4 तारीख को कल दिल्ली में बीजेपी का कमल कुलदीप थामने की तैयारी में है।
लेकिन आज चंडीगढ़ में राजनीतिक तौर पर सरगर्मियां काफी तेज रहने वाली है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई 12 बजे के करीब विधानसभा पहुंचेंगे और आदमपुर विधानसभा सीट जहां से कुलदीप बिश्नोई विधायक है वहां से वो अपने विधायक पद से इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा था कि अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर उनसे आकर मिलता है और अपना इस्तीफा देता है और सीधा साफ तौर पर इस्तीफे में कोई घुमा फिराकर बात नहीं की जाती है और इस्तीफा अगर देना चाहता है तो फिर उस इस्तीफे को तुरंत मंजूर करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी कोई टेक्निकली ऐसा पेश नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई का इस्तीफा मंजूर होने में कोई बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। कुलदीप बिश्नोई का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को मिलने के बाद उस पर जरूरी जो कार्रवाई है विधानसभा सचिवालय की वो की जाने के बाद जो है उस इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाएगा, यानी आदमपुर की सीट जो है वो खाली मान ली जाएगी और कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा। तो ये जो टेक्निकली तौर पर एक जानकारी है ये जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है उन्होंने चंडीगढ़ में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सदस्य इस्तीफा देता है और सीधा सामने आकर इस्तीफा देता है और उसमें अपना जो भी कारण है वो लिखकर देते हैं तो उसके बाद उस इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाता है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है उस इस्तीफे को मंजूर करने में। तो ऐसे में साफ संकेत मिल रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई आज 12 बजे इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने के बाद उसे आज शाम तक मंजूर कर लिया जाएगा और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के लिए भारतीय जनता पार्टी में जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा और 4 तारीख को कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में आज जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक जो है वो कुलदीप बिश्नोई का भारतीय जनता पार्टी का कमल बिल्कुल बिल्कुल पवन रोकना चाहूंगी। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर नीरज शर्मा जी आपका जनता टीवी पर। नमस्कार जी। नीरज शर्मा जी, कुलदीप बिश्नोई ने फाइनल गुड बाय टाटा कह दिया है कांग्रेस को। अब मैडम जी क्या है कि देखो जितना मैं कुलदीप जी को जानता हूँ जी, हमारे बाबूजी के इनके पिताजी से बड़े अच्छे संबंध थे और चौधरी साहब की हम बड़ी इज्जत मान सम्मान करते थे जी। तो वो जो हमारे देहाती में कहावत है पूत कपूत तो काहे संचय, पूत सपूत तो काहे संचय। अच्छा। पर इन्होंने चौधरी साहब की राजनीति को ऐसा बट्टा लगा दिया, जो व्यक्ति हरियाणा की नहीं पूरे देश की राजनीति करते थे आज उस राजनीति को इन्होंने एक विधानसभा तक समेट के रख दिया। अब ठीक है ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है कितने दिन रुकेंगे, मैं तो कहूंगा उनकी, मैं कल परसों वीडियो देख रहा था कोई झूठों के सरदार की बात करी थी उन्होंने जी। पता नहीं शायद मैं समझता हूँ सबसे पहले कोई राजनीतिक कैरियर कांग्रेस फिर पनिहारिन फिर ट्रैक्टर फिर भाजपा फिर ट्रैक्टर फिर कांग्रेस फिर ट्रैक्टर फिर भाजपा कांग्रेस, अब भाजपा में जा रहे हैं पता नहीं कितने दिन के लिए जाएंगे। मैं तो प्रभु से उनके सुखद स्वास्थ्य की कामना कर सकता हूँ और मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो जनता आपको चुन के भेजती है उस पर कार्य करिए। आज विधानसभा के हमारे साथी विधायक हैं अभी तक, इस्तीफा मंजूर हो जाएगा उसके बाद नहीं रहेंगे और दोबारा जनता जैसे मैंडेट देगी पता लगेगा। इधर उधर में अपना दिमाग खर्च करते हैं लोग भी उनकी विधानसभा के बोलते हैं कि जी साल साल वो कह रहे हैं उनकी अंतर आत्मा ने कहा है वो वही सुन रहे हैं 2 महीने से तो वही सुन रहे हैं फिर फिलहाल। मैडम जी पता नहीं अंतर आत्मा कैसी है, राजस्थान में कुछ और सुनती है जी और हरियाणा में कुछ और सुनती है। हम तो एक ही श्लोक जानते हैं, मनस से कम वचनस से कम कर्मन ने कम महात्मा नाम, मनस संन्यास वचनस संन्यास कर्मन नन्यास दुरात्मा नाम। जो महात्मा लोग होते हैं वो मन वचन कर्म से एक होते हैं। अच्छा नीरज शर्मा जी, क्योंकि आप आपने श्लोक तो यहाँ पर सुना है कहावतें आपने सुनाई है, कहावत जो है वो कल कुलदीप बिश्नोई ने भी ट्वीट की थी, घायल तो यहाँ हर परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। किन घायल परिंदों का जिक्र कर गए कुलदीप बिश्नोई सर, इसका भी संदर्भ बता दें तो बहुत अच्छा होगा। मैडम जी देखो पता नहीं कौन क्या है क्या नहीं, और मैं तो कुलदीप जी से एक बात ही जाऊंगा, भैया पड़ा पड़ा तो एक जगह पत्थर भी भारी हो जाता है, तुम तो इंसान हो, ये डेली के दल बेदल छोड़ो, तुमसे ज्यादा किरकिरी तुम्हारे साथ वालों की होती है, तुम्हारे साथ के लोगों की होती है। मैडम जी मैं सच्ची बता रहा हूँ, उनको ना एक फ्लो में बोलिए कि जब से आपने कैरियर चालू किया ये 9वीं 10वीं पा रही है उनकी विभिन्न पार्टियों में, हालांकि 3-4 जगह घूमे हैं ज्यादा नहीं घूमे हैं, बीजेपी कांग्रेस बड़ा मतलब गलत होता है, हमें भी बड़ी ऐसे ना अंदर से कचोटती है बात कि ठीक है किसकी औलाद है चौधरी साहब की औलाद है,
वो आदमी जो राजनीति की पीएचडी हुआ करते थे, और ये तो आज राजनीति की प्राइमरी कक्षा में फेल हो रहे हैं। बड़ा दुख होता है इन सब चीजों से। जी नीरज शर्मा जी, लेकिन कांग्रेस के परिवार का सदस्य तो वो भी रहे, उनका ये कहना है उनकी सुनी नहीं गई, उनसे बात नहीं की जाती, वो जब समय मांगते हैं तो उन्हें वो समय नहीं दिया जाता, भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक आदमपुर का वनवास तक का जिक्र कल वो कर गए कि वनवास जो है वो खत्म होने वाला है आदमपुर का, इस पर क्या कहेंगे सर? मैडम जी देखो मेरी बात सुनो, आदमपुर छोड़ के पंचकुला से चुनाव इनके परिवार के लोगों ने लड़ा, हमने तो लड़ा नहीं जी। और ये कहते हैं कांग्रेस में सुनाई नहीं गई, एक बात ये बताओ ये सीडब्ल्यूसी मेंबर है, अरे हम भी विधायक हैं, ये भी विधायक हैं, क्या फर्क है इनके और हम में? जो नहीं सुनी गई इनकी, रेणुका बिश्नोई जी 2014 से 19 तक हाथी से विधायक थी मैडम, तो कहते में भी शर्म आती है, 1200-1400 वोट आई है कांग्रेस प्रत्याशी को, इनके कहने से टिकट मिली। मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने बहुत देख निर्णय लिया, अगर जो ये 19 के चुनाव में जिस हिसाब से इन्होंने हमारी 5-6 टिकटें खराब करी हैं, अगर जो उस समय पार्टी के जीतने वाले कैंडिडेटों को टिकट मिल जाती, हाथी से सही टिकट मिल जाती, नलवा से सही टिकट मिल जाती, हिसार से सही टिकट मिल जाती, क्योंकि हिसार की तो 9 की 9 सीटों को इन्होंने विपक्ष के संग कहूँ या भाजपा के संग मिलके सेट अपना कर लिया। नीरज शर्मा जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। चलिए लगता है संपर्क टूट गया, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क करने की। नीरज शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी कांग्रेस को कितना नुकसान, चलिए लगता है नीरज जी भी हमारे साथ नहीं है, इस बीच उनसे बातचीत की और उनका इसी बात पर जिक्र था कि कुलदीप बिश्नोई ये बताएं कि उन्होंने क्या किया पार्टी के लिए, हर बल वो दल बदलते रहे। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब स्पर्श, क्योंकि देखिए फाइनल डिसीजन अपने अंतरात्मा की आवाज पर फैसला तो कुलदीप बिश्नोई ने ले लिया है, अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने का न्योता भी उन्होंने कल दे ही दिया है, अब दिल्ली में किस तरीके के हलचल जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि आज शाम हो सकता है जब वो अपना इस्तीफा दे तो तुरंत दिल्ली की टिकट काट लें और दिल्ली पहुंच जाए वो। देखिए बिल्कुल दिल्ली की बात करें तो कल हो सकता है कि भारी संख्या में जो उनके तमाम कार्यकर्ता हैं उनके फॉलोअर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे जो है पहुंचते हुए नजर आए, क्योंकि एक तरीके से आह्वान किया गया और कुलदीप बिश्नोई ये दिखाएंगे कि किस तरीके से वो हरियाणा के एक दिग्गज नेता है और दिग्गज नेता स्पर्श आपको रोकना चाहूंगी, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, स्वागत है बनवारी लाल जी आपका जनता टीवी पर। थैंक यू डॉक्टर बनवारी लाल जी, सवाल यहाँ पर यही है क्योंकि अब चर्चाएं हरियाणा की राजनीति को लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हो रही है, कुलदीप बिश्नोई उनका नाम है जो कि आज अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद दिल्ली ही कल औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा बीजेपी में शामिल होने के लिए, सर किस तरीके से देखते हैं आप? चलिए लगता है एक बार फिर संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के लिए कितना बड़ा फायदा यहां पर कुलदीप बिश्नोई के तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार कहती है जब भी कोई नया सदस्य जुड़ता है कि परिवार जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के आने से हरियाणा की सियासत में किस तरीके से बदलाव आता है हरियाणा बीजेपी में, और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आदमपुर में बदलावपुर जो है यानी बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। इस्तीफे के बाद आदमपुर सीट पर उपचुनाव होंगे, अभी उपचुनाव में कांग्रेस अपने जीत का दम भर रही है, आसान नहीं होगा आदमपुर में उपचुनाव जाहिर तौर पर, क्योंकि समीकरण जो है वो यहां पर बदलेंगे, कुलदीप की राह में कांटा बनेंगे कई बीजेपी नेता भी, ये एडजस्टमेंट तो बीजेपी को करनी है अंदर खाने में बिश्नोई के खिलाफ कई बीजेपी नेता, क्योंकि सीधे तौर पर नहीं लेकिन उनके बयानों से साफ दिख रहा है, चौधरी बीरेंद्र सिंह सोनाली फोगाट विरोध में कई बयान जो है वो दे चुके हैं, दुष्यंत चौटाला से भी बिश्नोई को चुनौती जो है वो यहां पर मिलती दिख सकती है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन में लड़ सकते हैं उपचुनाव, अब ऐसी जानकारी भी आदमपुर में बदलेगी राजनीतिक परिस्थितियां, तो किस हद तक राजनीतिक परिस्थितियां जो है वो बदल सकती हैं, किस तरीके से उनका स्वागत बीजेपी में होता है, क्योंकि दो जो बड़े नेता हैं वो भी इसको लेकर जो बयान है वो अपना दे चुके हैं, अब 2019 में बीजेपी की उम्मीदवार थी सोनाली फोगाट और ये कार्यकर्ताओं से मुलाकात की वो तस्वीरें हैं जो कुलदीप बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, उनसे उन्हें न्योता दिया दिल्ली आने का, और जब वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं को वहां उपस्थित रहने के न्योता दिया है और ये कहा कि कार्यकर्ता ही मेरे लिए सब कुछ है,
प्रार्थना है कि भाई उनको एक प्रभावशाली ज्वाइनिंग होनी चाहिए ताकि एक अच्छा मैसेज भारतीय जनता पार्टी में भी जाए कि भाई एक दमदार नेता कोई पार्टी में ज्वाइन हुआ। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना भाइयों से कि आप परसों सवेरे दिल्ली पहुंचना है सबसे, ताकि जितने मैंने चेहरे देखो सारे परसों देखा, मेरी भी आत्मा शांति हो गई। मेरा मेरे प्रयाज में आपसे परमिशन मांगने खुद आया हूँ, तो परसों आप आशीर्वाद देने खुद आओ, मुझे तो काम करते बावजूद भी भाई साहब आपके साथ खड़े, आपके साथ खड़े तो मन में तकलीफ होती है कि जो आदमी बेचारा इतना दुखी हो रहा है, इतना पिछड़ा है, उसके बावजूद भी मेरे साथ खड़ा है, तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं उसका उत्तर उसके लिए कुछ करूँ। तो आज मैं आपसे परमिशन मांगने आया हूँ कि मैं इस्तीफा दे दूँ। कहा बेहतरीन मुख्यमंत्री है, बढ़िया आदमी है, हर काम करने वाला है, पॉजिटिव सोच का आदमी। जब मैं मिलार में जब आदमपुर के लिए काम मांगा तो उन्होंने ना नहीं करी, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि विपक्ष के मैंने जो इतनी बार इनके खिलाफ बोला है उनके भी अगर ये काम करने में दिल बड़ा है मुख्यमंत्री का निसंदेह मुझे उनका साथ देना चाहिए। और इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की जो धारणा जो भावना देश के प्रति है कि देश को आगे लेके जाना है, गरीब को हमें और मजबूत करना है, गरीबों के समूह और देश आगे बढ़े, क्यों ना मैं कैसे प्रधानमंत्री को मजबूत करें, क्यों ना मैं कैसे मुख्यमंत्री को मजबूत करें, क्यों ना हमारे हलके को मजबूत करें, क्यों ना हमें हर लोकसभा को मजबूत करें, क्यों ना हम हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूत करें, क्योंकि जड़े देश में इतना से कुत्ते पड़े।